और देखो ऐसा है कि हमारी हल्दी का खाना यहीं बन रहा है, तो हल्दी से पहले खाना यहाँ पे होगा। और अभी चल रहा है हल्दी का मेकअप। तो फाइनली ये देखिए मेरा दूल्हा हो गया रेडी। जी भाई, और 18 साल की उम्र में भाई टीचर है। आपको पूरा शॉट मैं नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। Hey guys, welcome back to the channel. आप सभी का स्वागत है आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं पुष्कर। जैसे कि हमने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि हमारा एक वेडिंग शूट है, तो उसकी आज वर्कशॉप है और यहाँ पे हम एज अ मॉडल आए हैं। और अभी हम हैं द रेंच रिजॉर्ट में और यहाँ पे आज होने वाला है हमारा वेडिंग शूट। एकदम रियल रियल हल्दी होगी, रियल फेरे तो नहीं होंगे बट ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक एक्ट होगा। बट आज हम आप सभी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। कल भी शूट है, आज भी शूट है, तो आज का जो ब्लॉग है वो आज आएगा कल का, और मैं नेक्स्ट डे का अलग से बनाऊंगा। तो आज का शूट बस यही होने वाला है। अभी तो क्लासेस चल रही है अंदर इस तरफ और यहाँ पे हम रेडी हैं। तो अभी आपको क्विक क्विक हमारे रूम का टूर देते हैं, उसके बाद चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा मेरे को मेकओवर भी करवाना, तो हमारा मेकअप आर्टिस्ट आ रहा है थोड़ी देर में, तो वहाँ पे जाके हम रेडी होते हैं। और उसके बाद हमारा 4 बजे हल्दी का फंक्शन है, तो वो करेंगे और बस चलते हैं। सो ये है हमारा रूम, ये हमारा रूम है, ये यहाँ पे हमारा सारा ड्रेसअप और पड़ा है। इधर इसको क्या दिखाना है, ये बाथरूम। ये है हमारा आज का लुक दोनों का। तो अभी हमारे मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो बस थोड़ी देर उनका वेट है, उसके बाद हम तब रेडी होंगे और 4 बजे हमारा शूट है हल्दी का। तब तक हम देते हैं आपको इस रिजॉर्ट का टूर। यहाँ पे होगा हमारा जो वेडिंग का जो शूट है वो इस एरिया में, यहाँ पे इस लॉन में होगा। और यहाँ पे बहुत सारे हट्स बने हुए हैं और यहाँ पे रूम्स हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है, इसके पीछे जैसे जो ग्राउंड है उसके अंदर बहुत सारे हॉर्स हैं, तो वहाँ पे सुबह भी राइडिंग हो रही थी हम जब उठे थे। वैसे आज थोड़ा सा लेट हो गए थे और रात को हम यहाँ पे पहुँचे थे, लगभग 10 बजे पहुँचे थे। और उसके बाद में हमने सोचा कि अभी रहने देते हैं, सुबह ब्लॉग करेंगे और सुबह इस जगह का, इस प्रॉपर्टी का आपको टूर करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, और हमारे वीडियोस को लाइक भी कर देना और शेयर तो करना ही है, ठीक है। तो अभी हम थोड़े से सिनेमेटिक शॉट्स इस जगह के आपको दिखाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे कुछ देर में। तो मैं आपको मिलाना चाहूँगा हमारे आज Hello के guys. टीचर से, जो कि सिर्फ और सिर्फ 18 साल का है भाई। जी भाई, और 18 साल की उम्र में भाई टीचर है, समझ रहे हो। या तो एक टाइम पे मैं था और आज ये है भाई, ठीक है। और बहुत अच्छे स्किल्स है भाई के पास आज के डेट में, बहुत बहुत अच्छा लगता है भाई यार इसको देखकर, जब ये बहुत सारे लोगों को, अपने डबल उम्र के लोगों को सिखा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कैसा फील कर रहे हो? बहुत बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरे को लगा नहीं था कि इतने बंदे आएंगे और सब आ रहे हैं, अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, बस देखते हैं आगे क्या होता है। बस यार, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर ब्रो।
और आज हमारा फिर हल्दी का शूट है, तो भाई शूट करने वाला है हमारा जी, बहुत ही मजा आने वाला है शूट में। और जो अगर फोटोग्राफर आप देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी स्किल्स आपको मिलने वाली है, ऐसी चीजें करने वाले हैं शायद कोई फोटोग्राफर ने नहीं की होगी, कुछ पोर्ट्रेट ऐसे होने वाले हैं शायद अभी तक नहीं होंगे, हमने देखा नहीं है, कुछ यूनिक कराने वाले हैं। पता है ये जब बोलता है ना यूनिक करवा दें तो मेरे को खुद को डर लगता है, पता है आते ही मेरे को बोला था भाई ऐसा ना एक सीन है जिसमें आपको ऐसे उछालेंगे, वो जब उछल रहा था ना तो मैं भी ऐसे मन मन में उछल रहा था कि कहीं गिरा दिया ना, पहले तो 61 किलो का था अभी 20 किलो बढ़ा और लिए, तो वो टेंशन है कहीं फट नहीं जाऊँ नीचे गिरते ठीक है। बाकी सच में यार बहुत बहुत टैलेंटेड बंदा है और बहुत टाइम से जानता हूँ मैं, बहुत छोटा था तब से, और इसके लिए तो भाई एनी टाइम हम सपोर्ट के लिए रेडी हैं। भाई का कॉल आया कि भाई शूट के लिए तुम चाहिए हो, आ जाएंगे, रेडी है भाई, अभी वर्कशॉप चल रही है तो भाई क्लासेस ले रहे हैं तो इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मिलते हैं आप थोड़ी देर बाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, मैं बार बार नहीं बोलूँगा आप सबको ठीक है। तो यहाँ पे है ना वर्कशॉप के अंदर सबके लिए, जैसे हमारी आज हल्दी है तो हल्दी का खाना भी बन रहा है, वो भी आपको दिखा देते हैं। अभी रील बनाएंगे यार, देखो रील बनानी भी ज़रूरी है वाइफ के लिए, आप वाइफ के साथ और आप रील नहीं बनाओ तो मतलब नहीं है ना उस चीज़ का, तो अभी रील बनाते हैं। तो भाई देखो हमारे लिए यहाँ पे बन रहा है आलू मटर और इधर सर दाल फ्राई है। अच्छा यहाँ पे दाल फ्राई बन चुकी है ठीक है। और देखो ऐसा है कि हमारी हल्दी का खाना यहीं बन रहा है, तो हल्दी से पहले खाना यहाँ पे होगा ठीक है। तो भाई यहाँ पे बन रहा है आलू मटर, वहाँ पे दाल फ्राई बन चुकी है, और रोटी है कि पूड़ी है सर? चपाती है। चपाती है, अच्छा चपाती है भाई, भाई भैया ने भी मतलब एकदम मॉडर्न तरीके से बोला चपाती है, यार हम तो रोटी बोलते हैं। चलो बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे काम चल रहा है भाई, इधर हॉर्स राइडिंग, और यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे होती है हॉर्स राइडिंग। तो वहाँ पे भाई हॉर्स खड़े हैं, यहाँ पे सुबह हॉर्स राइडिंग हो रही थी, तो यहाँ पे दो या तीन घोड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ सुबह हो रही थी हॉर्स राइडिंग जब हम उठे थे नींद से, तब हमने शूट नहीं किया, बट अभी हम शूट करने के लिए आए यहाँ पे। तो ये वो वाला ग्राउंड है जिसकी बात हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो यहाँ पे होती है हॉर्स राइडिंग, और अभी हमने थोड़े से रील्स वीडियो बनाए। जैसे कि आपको पता है अगर आप हस्बैंड हो आपके साथ आपकी वाइफ है तो आपको रील वीडियो बनाने पड़ेंगे। चलते हैं पुष्कर और थोड़ा हेयर कट वेयर कट करवाते हैं हमारे यहाँ मेकअप आर्टिस्ट से, क्योंकि शायद वो यहाँ पे आने में लेट हो जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ हेयर कट वहाँ पे जाके ही करवा लेते हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं। अगर आप पुष्कर आते हो तो द रेंच रिजॉर्ट में आके आप अपने कपल के साथ आ रहे हो चाहे अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो, यहाँ पे आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो बस यही बात थी, और ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, हमें ना तो रिजॉर्ट ने स्पॉन्सर किया है ठीक है। सो बस हमारी तरफ से बोल रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, और ये यहाँ का एंट्रेंस गेट इस लॉन का। तो अभी हम चलते हैं हमारे रूम में, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये भैया आ रहे हैं, ये हमारे बहादुर भैया हैं जिन्होंने हमारा लास्ट टाइम 2021 में फ़ोटोशूट किया था, अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं ये ठीक है। तो इन्होंने हमारा लास्ट टाइम फ़ोटोशूट किया था बहुत अच्छा, और इस बार भी करने वाले हैं, तो बस अभी थोड़ा सा बिजी है भैया। तो ये लोकेशन है द रेंच रिजॉर्ट की, तो ये अभी तो भाई इस रिजॉर्ट में आपको मिलेंगे ललित भैया, जो कि यहाँ के आपने शेफ भी हैं, और आपको हर एक चीज़ मुहैया करवाते हैं, आपको उपलब्ध करवाते हैं टाइम पर, बहुत अच्छा नेचर है भैया का। तो यार आप जब भी आओ भैया से ज़रूर मिल के जाना, और ये मिलेंगे ही आपको। तो सच में यार ये रिजॉर्ट बहुत अच्छा है, इनकी सुविधाएं भी बहुत अच्छी है, सबका नेचर बहुत अच्छा है, तो आप अगर कपल हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो मिलते हैं अभी, बस थोड़ा सा पानी वानी पीते हैं, और भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है राजस्थान में, और आपको गर्मी नहीं लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी हम पानी वानी पीते हैं, उसके बाद चल के आते हैं पुष्कर, थोड़ा सा मेरा हेयर कट करवाना है, मैं जैसे कि बोल रहा हूँ बहुत बार, तो हेयर कट करवा के फिर मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में। अभी हम आ गए हैं पुष्कर में, और अभी मार्केट से हम जा रहे हैं गुरुद्वारा, क्योंकि गुरुद्वारे के सामने ही है सैलून, और वहाँ से करवाना है हेयर कट, एंड चलते हैं अभी सैलून पे। तो भाई हल्दी का मेकअप स्टार्ट हो गया है, और अभी चल रहा है हल्दी का मेकअप,
मैम कर रहे हैं हेयर्स और यहाँ पे मैम कर रहे हैं मेकअप। तो शूट हमारा होगा 4 बजे। तो भाई ये है हमारी फाइनल लुक और हम रेडी हो चुके हैं एज अ हम बारात में तोरण बांधने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये हमारी बाराती जो कि रेडी है हमारे साथ, और हमारी जो डेस्टिनेशन वेडिंग का जो शूट होने वाला है वो आज अभी कुछ ही देर में इसी पूल के पास होगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो हमारे बहादुर भाई फुल एक्साइटेड है इस शूट के लिए, ठीक है, और मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ जैसे कि आप देख रहे हो। अब बस थोड़ी देर में हम शूट पे चलेंगे तो वहाँ के भी शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, चलते हैं। तो फाइनली ये देखिए मेरा दूल्हा हो गया रेडी। आपकी दुल्हन रेडी है या नहीं है? दुल्हन है रेडी। तो भाई अभी हमारा जो सेटअप है वो भी हम आपको दिखा देंगे, और अभी हम वहाँ थोड़ी देर में जाएंगे और वहाँ जाके हम हमारा शूट करेंगे प्लस हम एक्ट भी करेंगे। हम तो फील वैसे करेंगे जैसे कि हमारी आज हल्दी है, ठीक है, बस फैमिली नहीं है पास में, बस उनकी कमी है, बाकी हमने जब शादी करी तब भी फैमिली नहीं थी, बट ठीक है, फील हमारा रियल होगा, ठीक है। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में लोकेशन पे, आपको थोड़े से शॉट देखने को मिलेंगे, तो बस वहीं चलते हैं अभी थोड़ी देर। अभी चल रहा है हमारी फ़ोटोशूट और यहाँ पे बहुत सारे कैमरामैन हैं जो कि हमें कैप्चर कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे पूरा शूट हो रहा है पीछे की तरफ, अभी हो रहा है इनका शूट और मेरी ड्रेस को गिल्ला नहीं कर सकते इसलिए इनकी ड्रेस तो गिल्ली हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है, आपको पूरा शूट मैं नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। चेंज और अभी मैं बनाऊंगी बहुत सारी रील्स, ऐसे कैसे चेंज कर लूँ, इतनी तैयार हुई हूँ तो अभी बहुत सारी रील्स बनानी बाकी है, देन देखते हैं। फाइनली आज का शूट हो गया है ख़त्म और हमने चेंज वेंज कर लिया है, अब हम बैठ के कर रहे हैं डिनर, और डिनर करने के बाद हम सो जाएंगे क्योंकि सुबह 6 बजे हमारा शूट है, उसके लिए हमें कम से कम 4 बजे उठना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। इन्होंने तो खाना स्टार्ट कर दिया, बोलना नहीं है कुछ, बस खाना है। अब मैं भी खाना खाती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय बाय।